दोस्तों हर साल लाखों लोग यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, मगर सफलता उनमें से कुछ लोगों को ही मिलती है और आईएएस तो लगभग 150 ही बन पाते हैं। अब यह प्रक्रिया वैसे तो आसान है, लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर इस परीक्षा में सक्सेस रेशियो इतनी कम क्यों है। वैसे तो उसके पीछे हर कोई अपने अपने कारण दे सकता है और वे कारण अपनी जगह पर सही भी होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण लोग इस परीक्षा को समझ ही नहीं पाते और वे सफल नहीं हो पाते। और वो गंभीर सवाल है कि आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है आईएएस ही क्यों बनना है, पैसे कमाने के लिए या फिर समाज में बदलाव लाने के लिए। उससे पहले जान लेते हैं कि युवा अपने करियर के रूप में सिविल सेवा ही क्यों चूज करते हैं। दोस्तों आखिर हम सिविल सेवक के रूप में अपना करियर क्यों चुनना चाहते हैं? क्या सिर्फ देश सेवा के लिए? वो तो अन्य रूपों में भी की जा सकती है या फिर सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन इससे अधिक वेतन तो अन्य नौकरियों एवं व्यवसायों में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा हमें इतना आकर्षित करती है? यह केवल एक नौकरी वाली प्रोफाइल नहीं है, बल्कि एक तरह की जिम्मेदारी है और वास्तव में इनके कर्तव्यों को निभाने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए। उनके द्वारा चुने गए क्षेत्र के अनुसार अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार और विकास है। यह एक समाज के रूप में, लोगों के समूह में, स्कूल आदि के विकास के रूप में हो सकता है। एक आईएएस अधिकारी चुने हुए एक निश्चित क्षेत्र के विकास के लिए नए नियम भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके नज़दीक कोई स्कूल होना चाहिए, तो आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं और इससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी तरह जिस क्षेत्र में आपकी नियुक्ति होती है, यह उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। यदि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है तो आपको सामाजिक कार्यों का अवसर मिलेगा, जबकि यदि आप किसी केंद्रीय स्तर पर हैं तो आपको सरकार के साथ नए नियम और नई नीतियां बनाने में सरकार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। विभिन्न मंत्रियों के अधीन आईएएस अधिकारियों का एक समूह होता है और यही अधिकारी उन्हें सलाह देते हैं और ये हमारे राष्ट्र के निर्माण और विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर शासन व्यवस्था के स्तर पर देखें तो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन सिविल सेवकों के माध्यम से ही होता है। वस्तुतः औपनिवेशिक काल से ही सिविल सेवा को इस्पाती ढांचे के रूप में देखा जाता है। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, तथापि इसकी महत्ता ज्यों की त्यों बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ संरचनात्मक बदलाव अवश्य आए हैं। पहले यहाँ यह नियंत्रक की भूमिका में थी, वहीं अब इसकी भूमिका कल्याणकारी राज्य के अभिकर्ता के रूप में तब्दील हो गई है, जिसके मूल में देश और व्यक्ति का विकास निहित है। आज सिविल सेवकों के पास कार्य करने की व्यापक शक्तियां हैं, जिस कारण कई बार उनकी आलोचना भी की जाती है, लेकिन यदि इस शक्ति का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वह देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यह एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन के उच्च पदों पर आसीन होने और नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। इसमें केवल आकर्षक वेतन, पद की सुरक्षा, कार्य क्षेत्र का वैविध्य और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि देश के प्रशासन में शीर्ष पर पहुंचने के अवसर के साथ साथ उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। हमें आए दिन ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है जिन्होंने अपने जिले या किसी अन्य क्षेत्र में कमाल का काम किया हो। इस कमाल के पीछे उनकी व्यक्तिगत मेहनत तो होती ही है, साथ ही इसमें बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति का भी होता है, जो उन्हें ढेर सारे विकल्प और उन विकल्पों पर सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। तो यही कुछ कारण हैं जिनकी वजह से युवा की पहली पसंद आईएएस होती है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।